तमन्ना भाटिया ने ढोल नगाड़ों पर किया डांस, अपने कॉलेज पहुंची एक्ट्रेस जी करदा की सक्सेस का मनाया जश्न। एजाज खान ने इंडस्ट्री से मांगी मदद, बोले पटरी पर लौट गई है शाहरुख के बेटे की जिंदगी, मुझे भी देखा। भवन की उम्र में अकेले होने पर मनीषा कोइराला बोली, अभी मां बनने का कॉन्फिडेंस नहीं, घर बसाने का समय गुजर चुका। फोटोग्राफर्स ने काजोल का किया था पीछा, एक्ट्रेस बोली सेलिब्रिटी हो इसलिए शिकायत नहीं कर सकती, और कहा कि स्टार्स को खतरा नहीं हो सकता। प्रीति ने बताया क्यों दिया प्रोडक्शन हाउस को बटरफ्लाई का नाम, 4 जुलाई को लॉन्च किया था ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स, बोले तितली का मतलब है उड़ान। मिशन इम्पॉसिबल 7 ने 2 दिन में कमाए 21 करोड़, दूसरे दिन 25% ड्रॉप हुआ कलेक्शन, फर्स्ट वीकेंड तक 60 करोड़ कमाने की उम्मीद। AI के बढ़ते प्रयोग के विरोध में हॉलीवुड ठप, फिल्म प्रमोशन का हिस्सा नहीं बनेंगे कलाकार, अवतार और डेडपूल के सीक्वल पर काम रुक सकता है। डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू कर रही है मनीष मल्होत्रा ट्रेजेडी क्वीन, मीना कुमारी की बायोपिक बनाएंगे, कृति सैनन निभाएंगे मीना का किरदार। YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्म में सुपर एजेंट बनेंगे आलिया, यूनिवर्स से जुड़ने वाली पहली एक्ट्रेस बनी, फिल्म राजी में भी किया स्पाई का रोल। अपने मामा गोविंदा से सुलह करना चाहते हैं कृष्णा अभिषेक, बोले भगवान करे झगड़ा खत्म हो।